My name is Subhecha Mohapatra. Today my topic is mobile phone. Mobile phone आजकल के दुनिया में सबके पास है, सब use भी करते हैं और इसको misuse भी करते हैं. और इसका benefit क्या होता है? Benefit ये होता है कि हम दूर जब रहते हैं, मतलब हमारे दोस्त के साथ contact कर सकते हैं. और हम अभी जैसे हम बाहर आए हैं, बाहर में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मामा मतलब माता जी और पिता जी के साथ बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए हमें उन लोगों को देख भी सकते हैं. और उनका एक प्रॉफिट है कि हमारे पास भूख नहीं होता है तो हम मोबाइल से इंटरनेट यूज़ करके तो पढ़ाई भी कर सकते हैं. और फिर और एक फ़ायदा भी होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से हमारा एक फ़ायदा होता है कि हम जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं कहीं से कहाँ, मतलब यहाँ से, मतलब हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होता है तो हम दूसरों को भेज सकते हैं कुछ ज़रूरी काम के लिए. और एक फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम में पड़ गए हम लोग, उस टाइम हम किसी और को बोल सकते हैं कि हमको पैसे भेजने के लिए मोबाइल के जरिए हमें पैसे भी भेज सकते हैं. ये भी एक फ़ायदा होता है. और एक फ़ायदा क्या होता है? और एक फ़ायदा ये होता है कि हम घर बैठ कर भी बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं. ये सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का एक अच्छी फ़ायदा होता है. और दूसरा बात, उसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन के द्वारा बहुत सारे ब्लैकमेल भी करते हैं और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स लोग होते हैं, उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाती है. जो गेम इंटरनेट के जरिए हमें बहुत सारे गेम आते हैं, जो जैसे कि ब्लू हेल और मोमो, ये सारे गेम होते हैं. इसके वजह से छोटे बच्चे और स्टूडेंट की लाइफ में मतलब पढ़ाई का ध्यान छूट जाता है और मन नहीं लगता है, दिन रात गेम खेलते रहते हैं. और इसके वजह से जान मतलब एडिक्टेड होकर जान भी जा सकती है, जैसे कि ब्लू हेल किसी कितने लोगों के जान भी ले गए हैं. और